सर्दार वल्लभ भाई पटेल आकाशछुआ प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा एवं सहज हो गुजरात केवड़िया गांव को नुआ दिल्ली रु सीधासलख ट्रेन चलाचल कर रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रु एही ट्रेन को सबुज संकेत देछंती। अधिकारी सूचना अनुसार हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन समेत मोदी अन्य स्टेशन रु केवड़िया यात्रा करबाकु थिबा ट्रेन को मध्य सबुज संकेत देछंती। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रे मोदी सह रेलमंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रही थे। सूचना अनुसार एबे पर्यंत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यंत सीधा सड़क ट्रेन व्यवस्था नाही। लोक बड़ोदरा परे सड़क पथरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यंत यात्रा करुथिले। एबे एही ट्रेन सेवा फलरे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत अन्य शहर लोक भी सीधा सड़क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निकट रे पहुंच परिबे। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है, इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है।